नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश और दुनिया में जब फादर्स डे पर लोग सोशल मीडिया में अपने पिता को बधाई दे रहे थे, तो वहीं रेवा की बेटी ने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे पिता को नया जीवन देकर बाप बेटी के प्यार और रिश्ते की मिसाल पेश की है। इस बेटी ने पेट की लंबी बीमारी से जूझ रहे पिता को डॉक्टरों की सलाह पर अपना लीवर डोनेट कर अपने पिता का ट्रांसप्लांट कराकर उन्हें नया जीवन दिया है। आज के इस युग में एक पिता के लिए बेटी का यह बलिदान और त्याग किसी मिसाल से कम नहीं है और अब बेटी के इस कदम पर हर कोई सराहना कर रहा है। दरअसल यह पिता और पुत्री रेवा शहर के तरहटी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक तरहटी मोहल्ला निवासी राजेश तिवारी उर्फ बबलू कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राजेश की बड़ी बेटी महिमा ने बताया कि कुछ महीने पहले लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह डॉक्टरों ने दी थी। घर के हालात ठीक न होने के बावजूद जब पिता को तकलीफ बढ़ी तो बेटी से देखा न गया और बेटी महिमा ने जिद कर पिता को उपचार के लिए मुंबई ले गई। मुंबई में डॉक्टरों ने पिता को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बताया, वह था लीवर का ट्रांसप्लांट करना, जिसके लिए बेटी ने बिना समय गवाए अपना लीवर डोनेट करने की इच्छा जाहिर की और बेटी की इच्छा पर डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट किया। हालांकि पिता और पुत्री ने दोनों मुंबई में ही हैं, जहां अब पिता की हालत सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक पिता का ब्लड ग्रुप बेटी के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया था। ऐसे में चिकित्सकों ने बेटी को लीवर देने का सुझाव दिया। डॉक्टर के सुझाव पर बेटी भी झट से तैयार हो गई। मुंबई के हॉस्पिटल में सीनियर ट्रांसप्लांट सर्जन द्वारा मरीज राजेश तिवारी उर्फ बबलू की जांच करने पर उनके क्रॉनिक लीवर रोग पाया गया। उन्हें रीनल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती किया गया। लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल रही। सर्जरी के बाद डोनर और मरीज दोनों ठीक हैं।